हेलो एवरीवन, योर हेल्दी होम फूड में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप वर्किंग हैं या आप हॉस्टल पर रहते हैं और आप जल्दी की वजह से अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स, जिसे आप पहले से बना के स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप अपना वेट कम कर रहे हैं तो भी आप ये दोनों की दोनों रेसिपीज़ को अपने डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि दो रेसिपीज़ हम बनाने वाले हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हैवी बॉटम कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो किसी भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में भी ये बना सकते हैं। और इसमें हम डालने वाले हैं 1 कप प्लेन ओट्स, जिन्हें हम रोस्ट करेंगे क्रंची होने तक। फ्लेम जो है वो हम लो से मीडियम रखेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए जो ओट्स है वो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, और अगर हम इसको कंपेयर करें रेडी टू ईट सीरियल फूड से तो ये जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या स्वीटनर्स हम नहीं डालने वाले हैं। और जो ओट्स है उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जिससे हमारी जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होती है। ये जो रेसिपी है, जिन्हें डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है वो लोग भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। उसमें 160 डिग्री पर आप इसे 7-8 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए और ये क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए हमारे जो ओट्स हैं वो अब क्रंची हो गए हैं, कुक हो गए हैं। इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए और एक साइड में रख देंगे। अब हम सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मखाना। मखाना को भी हम भून लेंगे जब तक ये थोड़े से क्रंची नहीं हो जाते। इसी में हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम और 2 ही टेबलस्पून कटे हुए अखरोट। आप चाहें तो अपनी पसंद का और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पिस्ता डाल सकते हैं, आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हम रोस्ट कर लेंगे पम्पकिन सीड्स और थोड़ी सी किशमिश। इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। हम चेक कर लेंगे, एक मखाना हम तोड़ कर देख लेते हैं। ये देखिए मखाना अच्छे से रोस्ट हो गया है और चीज़ें भी रोस्ट हो गई हैं। तो चलिए गैस को हम ऑफ करेंगे और इसको हम डाल देंगे ओट्स के साथ उसी बाउल में। सभी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे। जब बिल्कुल ठंडी हो जाएं ये चीज़ें, इनको हम मिक्स करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे 1 महीना तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और आज इस ब्रेकफास्ट मिक्स से मैं आपको 2 रेसिपीज़ बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और जिसको बनाने में और असेंबल करने में सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम डालेंगे घर का बना हुआ दही। ये मैंने 4 चम्मच दही डाला है इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार मसाले, जैसे मैंने इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर। और इसी में हम ऐड करेंगे भुनी हुई अलसी का पाउडर 1 चम्मच। अलसी ओमेगा 3 फैट्स, फाइबर और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे।
अब ये जो रेसिपी है ये उन लोगों के लिए है जो ब्रेकफास्ट में कुछ नमकीन खाना चाहते हैं, जो मीठा नहीं खाना चाहते। और ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करके इसमें हम डालेंगे हमारा बना हुआ ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स। ये देखिए, ये हमने इसमें डाला है लगभग 3 से 4 चम्मच। ऊपर से थोड़ा सा मैंने टेस्ट के लिए और गार्निशिंग के लिए डाल दी है क्रैनबेरीज। लीजिए, हमारा टेस्टी होलसम हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है। आप ये एक बार ज़रूर बना कर देखिए, क्रंची ओट्स, मखाना और नट्स का कॉम्बिनेशन अलसी वाले दही के साथ बहुत ही टेस्टी और यमी ब्रेकफास्ट है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी भी बहुत ही झटपट है। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम डालेंगे कट फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आपकी पसंद के आप इसमें ले सकते हैं। मैंने लिया है केला, आधा केला, एक चीकू और आधा एप्पल। और इन फ्रूट्स के साथ हम ऐड करेंगे घर पे जमाया हुआ दही। हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच। ये मैंने दही फैंट लिया था, आप भी फैंट लें इसको डालने से पहले। और इसी में हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, अगर आपका टेस्ट है तो थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, और साथ ही हम इसमें भी डालेंगे अलसी का पाउडर, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मीठे के लिए थोड़ा सा शहद। ये ऑप्शनल है, अगर आपको फ्रूट्स के साथ मीठा और नहीं चाहिए तो आप शहद स्किप कर सकते हैं। ये मैंने डाला है झंडू का हनी। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच हमारा ओट्स वाला ब्रेकफास्ट मिक्स। जब भी आपका मन ब्रेकफास्ट में कुछ मीठा खाने को करे या स्नैक्स में कुछ मीठा खाने को करे तो आप ये हेल्दी बाउल बनाकर खा सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी खजूर भी डाल देते हैं। ये मैंने सीडलेस खजूर ली है, ये एक दो खजूर मैंने काट के इसमें डाल ली है। और इसी के साथ हम गार्निशिंग के लिए इस पर डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने। तो लीजिए, हमारा रोस्टेड नट्स एंड ओट्स विद फ्रूट्स एंड योगर्ट रेडी है। आप इसे इंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोनों रेसिपीज़ आप बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए योर हेल्दी होम फूड के साथ। फिर मिलेंगे टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।